दोस्तों भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक है, ये हम सब जानते हैं। और जो पास्ट में उसने हमारी मदद की है स्पेशली डिफेंस क्षेत्र में, उसके हम आभारी भी हैं, क्योंकि ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अकेले ही उसने कई सालों तक भारतीय हथियारों का जिम्मा उठाया था, जिस कारण 70% से ज्यादा हथियार भारत में रशियन मेड है। हालांकि अब ये संख्या कम हो रही है। इसी तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में भारत दुनिया से लड़ते हुए तटस्थ रहा और अपने संबंध रूस से खराब नहीं होने दिया। अब जो एक ऑफिशियल खबर निकलकर सामने आ रही है उससे अमेरिका समेत पश्चिमी देश को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं पर इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो कि G20 समिट में है, वहां से भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम भारत और रूस के रिश्तों के बारे में, साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध में इनकी मित्रता और व्यापारिक संबंधों की चर्चा कई बार अपनी वीडियो में कर चुके हैं। यह युद्ध शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और भारत अभी भी रूस से बेहिसाब फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल और कोयला 30% के डिस्काउंट पर खरीद रहा है। इससे भारत को भी बहुत फायदा हो रहा है, मगर फिर भी बात अगर इस व्यापार की करे तो इसमें दोनों देशों को थोड़े बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रूट के मुताबिक भारत और रूस जो रूट व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं वह बहुत लंबा है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी खर्च ज्यादा लगता है। इसके अलावा लंबे रूट के चलते सामान के शिपमेंट के ट्रेवलिंग में भी देरी होती है, जिस वजह से दोनों ही देशों को अगर एक दूसरे से व्यापार करना होता है तो उस रूट की वजह से काफी फिजूल खर्च भी करना होता था। अब हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल रूस ने अभी समस्या का समाधान निकाल लिया है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में INSTC कॉरिडोर की खबर दी थी, जो कि एक नए कॉरिडोर की तरह शिपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं रूस ने इसी नए कॉरिडोर का फायदा उठाकर इस समुद्री रास्ते से भारत में पहली बार अपना शिपमेंट भारत भेजा है। इस सी रूट को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला देश रूस है, जिसकी RJD लॉजिस्टिक कंपनी ने इस कार्गो शिप को भारत भेजा है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह शिप रूस के मॉस्को के पास स्थित चेखोव नामक स्थान से भारत के निवोहा सेवा नामक बंदरगाह के लिए रवाना हो गई है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिप को भारत तक आने में 30 से 35 दिन का समय लगने वाला है, जो कि आम तौर के ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले वक्त से लगभग 10 दिन कम है। अब आने वाले समय में भारत और रूस दोनों देश अपने व्यापार के लिए इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करने वाले हैं, साथ ही इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों की ही बचत होगी और भारत समेत रूस को भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यह रूट 7200 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% तक सस्ता कर देता है। वहीं पर इस ट्रेड रूट के कारण भारत सड़क मार्ग से ईरान, रूस समेत कई देशों से जुड़ गया है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि G20 समिट से आ रही है। दरअसल दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से भारत की आलोचना करने वाला और हमारी जमीन पर नजर टिकाने वाला चीन मौजूदा वक्त में भारत की तारीफ करता नजर आ रहा है और बिना कोई गड़बड़ किए भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये मौजूदा विश्व स्थिति को देखते हुए दिखावा है, मगर आपको बता दें कि फिलहाल चीन भारत को अहमियत देते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ नहीं है। वहीं जिस तरह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कई देशों में जाकर भारत के जलवे दिखाए हैं, उससे चीन उनका बड़ा फैन बन चुका है। खबर मिली है कि एक बार फिर एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वैंग यी ने मुलाकात की है और LAC पर समाधान की बात की है। दोनों नेताओं के बीच सीमा पर ताजा हालातों को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय विदेश मंत्री इंडोनेशिया में है, जहां पर वह 7 से 8 जुलाई तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने गए हैं। चीनी विदेश मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बारे में खुद एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया कि ट्वीट के अनुसार बाली में उनके दिन की शुरुआत वैंग यी के साथ मुलाकात से हुई है और लगभग 1 घंटे तक सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर ये बातचीत चली है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि चीन के साथ अब भारत के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वहीं पर इस मीटिंग के विषय में विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि इस संबंध में दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और वरिष्ठ कमांडरों की अगले दौर की मीटिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे जल्द ही भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आए। बहरहाल दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।